प्यारे दर्शकों, मैं फिर आपके साथ डॉक्टर रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आप लोगों से ज्योतिष की बात करूंगी, गोचर की बात करूंगी। अब आप कहेंगे गोचर क्या होता है? जो प्रेजेंट मोमेंट्स होती है ना ग्रहों की, उनसे हम ज्योतिषी गोचर कहते हैं। गोचर में फिलहाल राहु कर्क राशि में चल रहा है, चंद्रमा की राशि में चल रहा है, उसका क्या इफेक्ट हो रहा है हम लोगों पर वो मैं बताना चाहूँगी। थोड़ा टाइम हो गया, अभी लगभग सवा साल और रहेगा, डेढ़ साल रहता है राहु किसी भी राशि में, जब भी विचरण करता है डेढ़ साल रहता है, और अभी सवा साल है लगभग। तो आजकल आप क्या देख रहे हैं, आप क्या नोटिस कर रहे हैं मन में विचारों से संबंधित, क्योंकि वो विचारों की, मन की जो राशि है उसमें बैठा है। बहुत ज़्यादा उफान आया हुआ है, उठा रखा है उसने पूरी तरीके से विचारों को, उड़ा रखा है। कितने भाव, कितने विचार आप देख रहे हैं रोज व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में, फेसबुक, यूट्यूब, पूरी बाढ़ आई हुई है विचारों की। यही होना है इसमें, चंद्रमा, मन और राहु, फैलाव किसी भी चीज़ का, बहुत सारी ऊर्जाएं सब आ गई उसमें। अब क्या है, बहुत सारे विचार आएंगे, अभी बहुत सारे विचार आएंगे, बहुत सारे मतभेद होंगे और बहुत सारी विचारधाराएं नई उभर के आएंगी इस समय में। जिस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ था ना, बहुत सारी चीज़ें निकल के आई थी, वैसे ही फिलहाल आत्ममंथन का समय, मन, हम सब लोगों के आत्ममंथन का समय, सिर्फ मेरे ही नहीं आपके भी, सबके, हम सब बहुत सारी बातें सोचेंगे, विचार करेंगे, नए मत लेंगे, सब कुछ करेंगे। जैसे समुद्र से बहुत सारी चीज़ें निकली थी, लक्ष्मी जी निकली, विष्णु के पास चली गई, अमृत निकला वो देवताओं ने ले लिया, वैसे ही इस तरीके की जो विचारों की बाढ़ आई हुई है ना, इसमें से भी बहुत सारी चीज़ें निकल के बाहर आएंगी। जो जिसके लिए है वो ले लेगा, जो जिस विचार को मानेगा, जिस मत को मानेगा, जिस धारा को मानेगा, उसके साथ जुड़ जाएगा। जो ये सवा साल है इसके अंदर ही ये सब हो जाएगा, उसके बाद जब ये टाइम बीत जाएगा सब अपने अपने विचारों में कहीं ना कहीं स्थिरता ले आएंगे, समझ जाएंगे कि वो क्या सोच रखते हैं। बहुत समय से लोग कुछ सोच नहीं रहे थे, जनता कुछ सोच नहीं रही थी, जो चल रहा था वो चल रहा था। अब क्या है कि लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया। अब आजकल जिस तरीके के हालात हैं, लोग सोच रहे हैं अपने बारे में, जीवन के बारे में विचार कर रहे हैं, आध्यात्मिक बातें भी कर रहे हैं, सब तरीके की बातें होने वाली हैं इस साल में। जो ये टाइम है राहु वाला, राहु जब कर्क राशि, हर तरीके की, हर एक के बारे में सोचा जाएगा, विचार किया जाएगा, एक छोटी से छोटी चीज़ के बारे में, चाहे वो कीड़ा हो, चाहे वो कीटाणु हो, चाहे वो ब्रह्मांड हो, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे वो मंगल ग्रह हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो भारत हो, कोई भी हो, हम सब के बारे में बहुत गहराई से बात करने वाले हैं। एक उसके पक्ष में बोलेगा, दूसरा उसके विपक्ष में बोलेगा, लेकिन अंत तक आते आते जब ये राहु जाएगा तो सारी चीज़ों को क्लियर कर जाएगा, इन मतभेदों को हमारे दिमाग में क्लियर कर जाएगा कि हम किस चीज़ से जुड़े हुए। मतभेद तो रहेंगे, हमेशा रहेंगे, ऐसा नहीं है। हमारे अंदर जो ये चल रहा है आत्ममंथन, हमारे मन में जितनी बातें हैं, विचार हैं, हम सब खोल लेंगे, हमारे अंदर जितनी कल्पनाएँ हैं हम सब पूरी बाहर निकालेंगे, क्योंकि ये समय है हमें अपने अंदर तक ढूंढने का, खुद को खोजने का, खुद को समझने का। राहु आ गया है और उथल मुथल मचा दी है उसने सबके दिल में, सबके मन में। जो अभी तक सब लोग अपनी भावनाओं को छुपा के बैठे हुए थे, वो भी उन्हें उभर के बाहर आ रही हैं, वो भी उभर के सामने आ रही हैं। उन्हें लग रहा है क्या हो गया, हम अपने बारे में क्यों नहीं सोच रहे, हम विचार करें, सोचें, कुछ अपने बारे में करें। किसी को खेलने का शौक है, गाने सुनने का है, वो लोग सोचते नहीं, अपनी ज़िंदगी ऐसे ही बिता रहे हैं और ऐसे ही बीतती जा रही है। लेकिन ये राहु वाला जो समय है, चंद्रमा में राहु, सब अपने बारे में सोचेंगे, अपनी इच्छाओं के बारे में सोचेंगे, विचारों के बारे में सोचेंगे, और ये सोचेंगे कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मेरी विचारधारा कहाँ स्टैंड करती है, मुझे किसको सपोर्ट देना चाहिए। बहुत सोच रहे हैं लोग आजकल, राजनीतिक स्तर पर भी सोच रहे हैं हम किसे सपोर्ट दें, किसको हमें आगे वोट देना है, ये सब भी बहुत लोग विचार कर रहे हैं। गहराई से सोचेंगे और उसके बाद डिसीजन तो ले ही लेंगे सब लोग। अभी लोग अपने जीवन के हर पक्ष के लिए सोचना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो क्यों जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या वो जो जी रहे हैं वो ठीक है। अपने टैक्स के बारे में सोच रहे हैं, भौतिक चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, आध्यात्मिक के बारे में सोच रहे हैं, आर्थिक, मानसिक, सारी चीज़ें सोच रहे हैं।
तो कर्क का राहु कितनी सारी चीज़ें हमारे अंदर देने वाला है, कितना आत्ममंथन दे रहा है, कितना उफान दे रहा है हमारे विचारों को। तो ये देखिए, ये है हमारा ज्योतिष जो आपकी सोच को भी प्रभावित करता है, बताता है कि आप क्यों प्रभावित हो रहे हो, आप इतना क्यों सोच रहे हो, इतनी बाढ़ क्यों आई हुई है। बहुत सारे मैसेजेस की कोई सोच भी नहीं सकता, उतनी गहराई है हमारे ज्योतिष में। अपने ज्योतिष से जुड़िए, ज्योतिषियों से जुड़िए, अपने आप को पहचानिए और ये देखिए कि ज्योतिष किस तरीके से हमें ये सब चीज़ ये देखिए कि ज्योतिष किस तरीके से हमें रूल कर रहा है, कैसे हम इन ग्रहों के अधीन है, और इसको एंजॉय कीजिए। आज के लिए इतना ही, मैं फिर आपसे मुलाकात करूंगी। डॉक्टर रमा जोशी, नमस्कार।